Charine, Nirvisesa Sunyavadi Pascha de Shatarine, Jayasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Suta Vacha Ittham Swaratu Charitam Vichitram Ittham Dvijaja Devadeva Dattaha Srutva Swaratu Charitam Vichitram Paprachya bhuya opita deva punyam Vayasakim jan nigrihit chetaha Suta vacha Ittham dvijaja dava deva dattaha Srutva swaratu charitam vichitram Paprachya bhuyo pita deva punyam Vayasakim jan nigrihit chetaha Srila Sut Goswami, Sukdev Goswami ke mukh se katha sune the Bhagavat ki Ganga ji ke tat par. Jis samay Maharaj Parikshit katha sun rahe the anya maharshiyon ke saath, to Sut Goswami bhi wahan baithe the. Aur Sukdev Goswami ne unko nikat baithaya tha, nikat aao suno. Aur yah bhi kaha tha, कि यह सूत आगे चलकर नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम सुनाएगा तो बीच-बीच में हम लोग सूत गोस्वामी का उद्गार सुनते हैं तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इत्थम हे द्विजाह हे ब्राह्मणों हे सौनकादि ब्राह्मणों जब इस प्रकार जादव देव दत्तः जादवों के नाथ भगवान कृष्ण के द्वारा जो रक्षित हुए थे गर्भ में उत्तरा के वे महाराज परीक्षित यह कथा सुनकर पुनः उसी कथा को पूछे जो कल कथा हुई थी अघासुर का उद्धार और अघासुर के मुख से अपने वयस्क मित्रों तथा बछड़ों की रक्षा की बात इसके विषय में सूत जी कहते हैं स्वरातु चरितम विचित्रम स्वरातु अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र को सुना कौन यादव देव दत्त श्री कृष्ण को यादव देव कहते हैं यादवों में शिरोमणि या यादवों के आराध्य यादव देव कृष्ण तेना कृष्णे न दत्त श्री कृष्ण ने दिया था युधिष्ठिर महाराज के लिए अथवा उत्तरा के लिए परीक्षित की रक्षा करके गर्भ में और उन्होंने एक प्रकार से दिया था युधिष्ठिर को उन्हें पौत्र दिया था और उत्तरा को दिया था परीक्षित को बचा करके राति ददाति राति का अर्थ होता है दे देना तो यहां दत्त शब्द है यादव देव दत्त यादव देव ने कृष्ण ने जिनको दिया था तो मां के गर्भ में जाकर भगवान ने परीक्षित की रक्षा किया था यह कथा सुनकर कि भगवान ने अघासुर के मुख में जाकर के बच्चों की रक्षा किया तो परीक्षित महाराज को अपनी रक्षा की बात तुरंत याद आ गई कि भगवान ने मेरी भी रक्षा इस तरह से किया था मां के उदर में तो मां के उदर में ब्रह्मास्त्र चलाया गया था
बहुत अमोघ अस्त्र, लेकिन उससे भगवान मेरी रक्षा की मेरे माँ के उदर में आ करके। यह है भगवान का भक्त वात्सल्य। तो परीक्षित की रक्षा में भी भगवान का यह स्नेह प्रकट हुआ था। तो दोनों घटनाओं में सादृश्य मिला लिए परीक्षित महाराज, कि जैसे बच्चों की रक्षा किए बछड़ों की, वैसे प्रभु मेरी भी रक्षा किए थे। इसीलिए कहा गया स्वरातुश्चरितम विचित्रम, अपने रक्षक के विचित्र चरित्र को सुनकर। स्वरातु, रातु का अर्थ रक्षकस्य, अपने रक्षक के श्री कृष्ण के इस विचित्र चरित्र को सुनकर महाराज परीक्षित भूय पप्रच्छ तदेव पुण्यम। इसी लीला के विषय में फिर पूछ रहे हैं। इसके पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कुमारावस्था में यह लीला हुई थी अघासुर वध की और बच्चों के उद्धार की, पर बच्चों ने एक साल के बाद ब्रज में जाकर अपनी माताओं से और गोपों से यह बात कही थी। इसी के विषय में महाराज परीक्षित बहुत जिज्ञासु हैं कि वे एक साल के बाद जाकर क्यों कहे, वे कहाँ थे, अवश्य श्री कृष्ण की यह कोई विशेष लीला थी, या तो बच्चे ब्रज में गए ही नहीं थे, अथवा उनकी स्मृति शक्ति को कृष्ण ने हर लिया होगा जाकर के भी नहीं बता पाए। तो इस विषय में महाराज परीक्षित की जिज्ञासा हो रही है। तदेव, तत एव, वही कथा फिर पूछ रहे हैं। पुण्यम, जो परम पावन है, सुनने से कहने से जीव को पवित्र कर देता है, कर देती है कथा, और भगवान कृष्ण में प्रेम देती है, इसीलिए इस कथा को पुण्यम कहा गया। प्रत्येक भक्त को ये अनुभव होता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने पर सुनने पर कि हमारी चेतना शुद्ध हो रही है, संसार की वासनाएं कम हो रही हैं, ऐसा अनुभव होता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इसको पुण्यम कहते हैं। तदेव पुण्यम भूय पप्रच्छ, उसी परम पवित्र कथा के विषय में पुनः पप्रच्छ, पुनः पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जन निगृहित चेता, कथा ने, भगवान की लीला ने परीक्षित महाराज के चित्त को निगृहित, नितरम गृहितम, अच्छी तरह से पकड़ लिया था। परीक्षित महाराज ने भगवत कथा को नहीं पकड़ा था, बल्कि कथा ने ही उनको पकड़ लिया था। जन निगृहित चेता, वास्तव में श्री कृष्ण जिनके चित्त में बैठ जाते हैं तो उनके चित्त की धारा केवल कृष्ण के तरफ रहती है। भक्त जब भक्ति करते करते अग्रसर होता है तो भगवान हृदय में अपने आप बंदी हो जाते हैं, वहाँ से जाते ही नहीं। तो परीक्षित महाराज का चित्त भगवान की लीला में पकड़ लिया गया था, उसके बिना वो जी ही नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने व्यासकीम से पप्रच्छ, व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार पूछा। श्री राजोवाच ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् जत कौमारे हरिकृतं उचुः जगुः पौगंडकैर्भकः। हे ब्रह्मन्, हे वेद के ज्ञाता, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद और ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। जो भगवान का परम भक्त होता है उसको ब्रह्म कहा, ब्राह्मण कहा जाता है, और जो वेदों के तात्पर्य को खूब अच्छी तरह से जानता है उसको भी ब्रह्मन संबोधन किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी दोनों में पारंगत, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों में निष्णात, इसीलिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं हे ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्। भिन्न समय में की गई लीला किसी भिन्न समय में तत्कालिक कैसे हो सकती है? एक साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का उद्धार किया था, तो बच्चे जाकर ब्रज में यह कैसे कहे कि आज कृष्ण ने अघासुर का वध किया और हम लोगों को उसके मुख से निकाला, हमारा उद्धार किया,
आज शब्द कह करके बोले अद्यैव नंद सुनुना, आगे बात आएगी। वो लोग कहे थे बच्चे, आज नंद नंदन ने अघासुर का वध किया और हमको उसके मुख से निकाला, हम लोग उसके मुख में चले गए थे, वो विशाल पर्वत की तरह मुंह फाड़ करके हमको निकल लिया था, हम लोग स्वयं ही चले गए थे। अपनी अपनी माता से वो बच्चे पहले कहे, छोटे छोटे बच्चों की पहुँच है माँ के पास, सुगमता से रहती है, अपने माँ के पास ही जाते हैं। बछड़ा चरा करके घर लौटते थे तो माँ स्वागत करती थे, खिलाते पिलाती थी। बोलो बहुत बच्चे चकित थे और कहे आज कृष्ण ने यह किया यह किया यह किया। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि एक साल पहले की लीला कालांतर कृतम, वो तत्कालीनम कथम भवेत, जब बच्चे सुना रहे थे तो उस समय की कैसे हो सकती है। ये हमको कौतूहल हो रहा है, यत कौमारे हरिकृतम जगुह पौगंड केर भका, जो लीला भगवान ने कुमारावस्था के प्रारंभ में की थी, पांचवें बरस के प्रारंभ में, उस लीला को बच्चे छठे बरस के प्रारंभ में जाकर कहे, ये कैसे। एक से पाँच बरस की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं और पाँच से दस बरस की अवस्था को पौगंड अवस्था कहा जाता है और 11 से 15 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं और 15 के बाद यौवन कहा जाता है, जवानी। तो इस तरह से ये आयु का विभाजन है। पांचवें वर्ष में की गई लीला छठे वर्ष में बच्चे कैसे सुनाए और यह कह करके कि आज ही ये लीला हुई है। तद्ब्रूहि मे महाजोगिन परम कौतूहलम गुरु, हे गुरुदेव, हे प्रभु, इस विषय में हमें बहुत कौतूहल हो रहा है, जानने की इच्छा हो रही कि ये साल भर बच्चे कहाँ थे, कृष्ण क्या कर रहे थे, ये मुझे जानने की बहुत उत्कंठा है। कौतूहलम लालसा या उत्कंठा, बहुत इच्छा है मुझे जानने की। देखिए परीक्षित महाराज को अब केवल 3 दिन के बाद शरीर छोड़ देना है। 9 स्कंद सुन चुके, 10वां स्कंध प्रारंभ हुआ है, तो 10वां स्कंध पूर्वार्ध एक दिन, उत्तरार्ध एक दिन और एक दिन एकादश द्वादश, 3 दिन के अंदर ही उनको शरीर छोड़ना है। पर भगवान की लीला के लिए कितनी उत्कंठा है, एक बूंद भी पानी नहीं पिए हैं, खाने की बात तो बहुत दूर थी कई दिन से, जब भगवान की लीला को सुनने की यह लालसा। परम कौतूहलम प्रभु, नूनम एतद हरे रेव माया भवति नान्यत, मैं इतना तो निश्चित विश्वास करता हूँ कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की ही कोई विशेष लीला होगी और कुछ भी नहीं, उनकी कोई विशेष लीला होगी, शक्ति होगी कि बच्चे भूल गए होंगे या कहीं होंगे, वे ब्रज पहुँचे नहीं होंगे, क्या उनकी लीला थी, कृपया हमको सुनाइए। यह प्रश्न करके महाराज परीक्षित अपने को इस संसार में सबसे भाग्यशाली कह रहे हैं। वयम धन्यतमा लोके छत्रोपि गुरोपि छत्र बंधवः, जत पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम्। हे गुरुदेव, इस संसार में हम सबसे अधिक धन्य व्यक्ति, धन्य उसको कहा जाता है जिसके पास धन होता है, धनी को धन्य कहा जाता है। हम सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, सबसे, और भी इनके बच्चे हैं जन्मेजय वगैरह, और भी क्षत्रिय हैं, इसलिए बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वयम धन्यतमा, धन्य, धन्यतर और धन्यतम, अर्थात हमसे बढ़ करके धन्य कोई नहीं है। बताइए, जिस व्यक्ति की केवल 3 दिन की उम्र है और वह व्यक्ति कहे कि हमारे समान भाग्यशाली इस जगत में, ब्रह्मांड में कोई नहीं, क्या भाग्य उसका था, क्या उसको मिल रहा था। इसी को परीक्षित महाराज कहते हैं जत, क्योंकि पीबा माँ, हम पी रहे हैं पुण्यम कृष्ण कथा अमृतम, और वो अभी त्वत्त, आपके मुख कमल से हम कृष्ण कथामृत पी रहे हैं,
अतः हमसे बढ़ करके भाग्यशाली इस तीनों लोक में कोई नहीं, ये हमारा भाग्य। तो इसके द्वारा हमें भागवत की महिमा समझनी चाहिए। एक चक्रवर्ती सम्राट जिनके द्वारा एक थोड़ी सी भूल हो गई थी, एक ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिए थे और इसके कारण ऐसा भयावह साप मिला कि आज से सातवें दिन तुमको तक्षक डसेगा और तुम मर जाओगे। आज किसी को, चक्रवर्ती सम्राट की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा सा धन है, थोड़ा घर है, थोड़ा परिवार है, लेकिन किसी को यह कह दिया जाए कि अब तुम सातवें दिन मर जाओगे, उसका तो होश उड़ जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतनी कम जिंदगी है, अब हम क्या करें क्या करें क्या करें। और जिस व्यक्ति को, जो सम्राट है, ये सूचना मिली है कि सातवें दिन मर जाना है, उसको संसार के भोगों की तो कोई इच्छा क्या स्मरण तक नहीं है। सबसे दुर्लभ वस्तु को, सबसे आवश्यक वस्तु को पा रहा है और कह रहा है कि वयम धन्य तमालोक, हम सौभाग्य शिरोमणि हैं, हमसे बढ़ करके भाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं है। यद्यपि हम छत्र बंधव, हम क्षत्रियाधम हैं, हमने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया, हमें एक अधम क्षत्रिय, यद्यपि परीक्षित महाराज अधम क्षत्रिय नहीं थे, वास्तव में क्षत्रियों में सिरमौर थे, अर्जुन के डायरेक्ट पौत्र थे ये, अभिमन्यु के पुत्र, महाराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी थे, भगवान जिसके गर्भ में रक्षा किए हैं और जिसके वंश से इतना प्यार है भगवान कृष्ण को, क्षत्रियाधम कैसे हो सकते हैं। परंतु ब्राह्मण का इन्होंने तिरस्कार कर दिया था, मृत सर्प लपेट दिया था प्यास के कारण, तो उसी का स्मरण करके महाराज परीक्षित अपने को कह रहे हैं, यद्यपि मैं अधम क्षत्रिय हूँ, फिर भी मैं इस संसार में धन्यतम हूँ। धन्यतम, उस सभा में बैठे हुए और भी लोग थे, सब कथा सुन रहे हैं, तो उन सबको अंकीकृत्य वयम शब्द कह रहे हैं, वयम धन्यतम। हम जो लोग भी कथा सुन रहे हैं, इस संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। यह एक सम्राट का, जिसकी दो दिन की जीवन की अवधि है, उसका रियलाइजेशन। हम लोग तो बहुत दिन जी करके सोचते हैं ये कमा लें, ये इकट्ठा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, किस लिए, छोड़ कर मरने के लिए, और क्या छोड़ कर मरने के लिए, और जब जाना ही है तो इतना जाल इकट्ठा करके क्यों जाएं, छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, चिंतन होता है, अरे ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये छूट रहा है, जो पहले से ही छोड़ दिया है तो लास्ट छोड़ने में क्या दिक्कत होगी इसको, छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में यह परंपरा है, 25 वर्ष तक बच्चे चले जाते थे ऋषि कुल में, घर छोड़ने का सहज स्वभाव होता, चाहे राजा का पुत्र हो चाहे गरीब व्यक्ति का, घर छोड़ करके पढ़ता था और त्याग पूर्वक तपस्या पूर्वक रहता, कौपीन पहन करके, मूंज की मेखला धारण करके, ऐसा नहीं कि यहाँ से रेशमी कपड़ा भेज दे पिताजी की, खूब अच्छा से पहन कर रहना और स्लीपिंग बैग ले करके, एकदम त्याग से रहना पड़ता था, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन और वेद का अध्ययन। तो घर तो जीवन के प्रारंभ में ही छोड़ देता था, छोड़ने का, त्यागने का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग हो जाता था। 25 वर्ष का होने पर वो गृहस्थ बनता था, तो छोड़ने का चूंकि संस्कार रहता था, इसीलिए गृहस्थ बनने के बाद भी वो भगवान की भक्ति में लगा रहता था, कुछ गृहस्थोचित उत्तरदायित्व तो निभा करके 50 वर्ष के बाद पुनः त्याग देता था। आजकल के आदमी को त्यागने का कोई ट्रेनिंग नहीं है, ग्रहण करने का खूब है, लेकिन लोक में हम लोग देखते हैं कि आदमी जितना ग्रहण करता है उतना ही त्याग की चिंता करता है। कोई आप फ्लैट लेने जाइए तो केवल ग्रहणशाला नहीं देखेंगे, केवल किचन देखो है कि नहीं है, टॉयलेट देखेंगे कि नहीं, त्यागने का स्थान होना चाहिए ना। तो आदमी वो घर लेगा ही नहीं जहाँ त्याग न हो,
है कि नहीं, केवल खाने का स्थान हो और त्यागने का नहीं, त्यागने की सुविधा न हो तो वो घर कोई नहीं लेगा। इस तरह से आदमी ग्रहण करता जा रहा है, यह व्यक्ति, यह वस्तु, यह वस्तु, इसको समय पर छोड़ने का भी सोचना चाहिए ना, पहले से ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग नहीं है इस समय समाज में, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पहले से ट्रेनिंग मिलता, कुछ लोगों को क्या, सबको पहले युग में। तो महाराज परीक्षित इस प्रकार के व्यक्ति थे, वो तो छोड़ चुके थे। प्रथम स्कंध में शुद्ध गोस्वामी उनके विषय में कहते हैं, विमर्शितौ हेतया पुरस्तात्। ब्राह्मण के साप के पहले ही, बहुत प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित स्वर्ग को और इस पृथ्वी के भोग को हेतया विमर्शितौ, बिल्कुल हे समझते थे। पुरस्तात्, पुरस्तात् का अर्थ पहले ही, जीवन के प्रारंभ में। इसलिए ब्राह्मण के साप की बात सुन करके उनको प्रसन्नता हुई कि ये जाल से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाऊंगा, उनका डायरेक्ट पार्षद बनकर सेवा करूंगा। यहाँ तनिक भी उनकी आसक्ति नहीं थी। हे तया विमर्शित, हे समझते थे, त्याज्य, तुच्छ। तो इस प्रकार संसार के भोग या स्वर्ग के भोग या लंबा जीवन, स्वजन का स्नेह आदि कुछ उनमें नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण में अभिनिविष्ट थे, इसीलिए जीवन के अंत में जब उन्हें सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत सुनने को मिल रहा है, तब वे कहते हैं, त्वत्तः मुहुः पिबामः, हम आपके मुख से बारंबार कृष्ण कथामृत को पी रहे हैं। कृष्ण कथा ही वास्तव में अमृत है, पीने लायक है तो यही है, और कोई पेय नहीं है, पीने लायक है तो कृष्ण कथा है। और इसको कैसे पिया जाता है, कान के छिद्रों से। हम लोग देखते हैं कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनको कई तरह से लोग लेते हैं। कुछ लोगों को मैं देखा हूँ तंबाकू को नाक से सूंघते हैं। कुछ ऐसी दवाई होती है जिसको नस में चढ़ाया जाता है, नस में इंजेक्शन द्वारा चढ़ाया जाता है। कुछ टैबलेट होता है, कुछ होता है, कुछ दवाएं कान में डाले जाती हैं। लेकिन कृष्ण कथा कैसे पी जाती है, ये कान से पी जाती है। कान के दोनों में भर भर करके जो लोग पीते हैं वे धन्य हैं। तो महाराज परीक्षित का जो रियलाइजेशन है वही वास्तविक रियलाइजेशन है कि संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, जो मुहुः कृष्ण कथामृतम पिबन्ति, जो निरंतर कृष्ण कथामृत को पीते रहते हैं, कृष्ण कथा को पीते रहते हैं बराबर, और जिह्वा से भी ये रस पिया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे यही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा पवित्रता विधायक है। इसको हमेशा पीते रहना चाहिए। महाराज परीक्षित के अनुमोदन बीच बीच में दिए गए हैं भागवत में, बीच में अपने सुख को व्यक्त करते हैं, अपने मोद को व्यक्त करते हैं, इसको अनुमोदन कहा जाता है। तो वयम धन्य तमाम लोक, हम सबसे अधिक धन्य हैं लोक में, अधम क्षत्रिय हो करके भी, क्योंकि हम आपके मुख से कृष्ण कथामृत पी रहे। जब यह प्रश्न किया कि भिन्न काल में की गई लीला दूसरे काल में तत्कालिक कैसे हो सकती है, तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए। लेकिन इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्ममोहन लीला याद आ गई, किस तरह कृष्ण स्वयं ही बछड़ा बने थे और स्वयं गोप शिशु बने और अपने से अपने को हाँक करके साल भर ब्रज में रहे, ब्रज में और वन में विहार करते रहे। यह लीला याद आते ही सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल अंतर्मुख हो गए, बाहर का अनुसंधान भूल गया उनका। सुत जी वहीं पर थे तो सुत जी कहते हैं,
इत्थं स्मपृष्टः सच बादरायणिः तत्स्मारितानन्त हृताखिलेन्द्रियः। इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने स्मरण दिलाया उस लीला का कि श्री कृष्ण कोटि कोटि बछड़ा और गोप बन गए थे, तो यह स्मरण आते ही हृत अखिल इंद्रिय, सुखदेव गोस्वामी के इंद्रियों की वृत्तियां सब अंतर्मुख हो गई, हर ली गई। कान से भी बाहर सुन नहीं रहे थे, आँख से देख नहीं रहे थे, उस लीला में पहुँच गए। तो सभा जो थी वो बिल्कुल अवाक रह गई कि अरे, और महाराज परीक्षित भी रोने लगे कि मैंने क्यों प्रश्न किया, अब तो कथा ही बंद हो गई। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रज में पहुँच गए पूरा हृत अखिल इंद्रिय, सब इंद्रियां हर ली गई। तो यह एक दुख की बात हो गई कि कथा कहने वाला इतना भगवान में आविष्ट हो गया कि बाहर का अनुसंधान भूल गया। सुखदेव जी को ये याद नहीं रही बात कि मैं गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, कथा कहने के लिए बैठा हूँ, वो तो वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ हो गए। तब सन्नाटा छा गया, अब ये सोचा कैसे इनको बहिर्मुख किया जाए, बाहर वृत्ति होगी तब तो ये कथा सुनाएंगे, कैसे इनको ऐसा किया जाए। तब करताल झांझ मृदंग आदि जोर से बजा करके कीर्तन चालू किया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से कृच्छ्राद का अर्थ है बड़े कष्ट से पुनर्बहिर्दृष्टि, फिर बाहर दृष्टि हुई सुखदेव गोस्वामी। कृच्छ्राद की टीका लिखते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं और चक्रवर्ती पाद जी की, कि बहुत वाद्य और गीत की आवाज़ की गई बाहर, तब बहिर्मुख हुए। बताइए, कथा कहने वाला ऐसा चाहिए ना कि भगवान में अविष्ट हो जाए, संसार का ध्यान न रहे। तो प्रयास करके बाहर वृत्ति की गई कीर्तन करके। जब बाहर वृत्ति हुई तब प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तम, हे भागवतोत्तमों में श्रेष्ठ भागवतों में भी श्रेष्ठ भागवत सौनक जी, तब सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोलना प्रारंभ किए। 13वां अध्याय प्रारंभ करते। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम जन्नूतनयसी सस्य श्रृण्वन्नपि कथा मुहुः। हे भागवतोत्तम, हे महाभाग, जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार प्रश्न किया इतनी लालसा से उसी प्रसंग को फिर से सुनने की, तब श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। जब इनका अंतर्भाव टूटा, बहिर्भाव में आए, तब कहते हैं महाभाग परीक्षित, तुम महान भाग्यवान हो, तुम्हारे माँ के उदर में जाकर भगवान ने तुम्हारी रक्षा किया और श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा अति दृढ़ स्नेह भाव है, अतः तुम महाभाग्यवान हो। जो बात महाराज परीक्षित कह रहे थे कि वयम धन्यतमा लोके अपने आप, उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में तुम सबसे भाग्यशाली व्यक्ति, महान भाग्यशाली, महाभाग। भाग का अर्थ भाग्य, बहुत सुकृतिशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। और भागवतोत्तम, भागवतेषु उत्तम, समस्त भगवत भक्तों में तुम शिरोमणि हो, सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, महाभागवत। भागवत उत्तम, भागवतेषु उत्तम, समस्त भागवतों में कृष्ण भक्तों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। त्वया साधु पृष्ठम, तुमने बहुत अच्छा पूछा परीक्षित, बहुत अच्छा पूछा। साधु का अर्थ है अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न किया। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, हे महाभाग, हे भागवतोत्तम, त्वया साधु पृष्ठम, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा, बहुत अच्छा पूछा।
और तुम भागवतों में सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि इसका प्रमाण यह है कि जन नूतन असी ईशस्य श्रृण्वन अपि कथा मुहु। तुम ईशस्य श्री कृष्णस्य श्रृण्वन अपि सुनते हुए भी सुनी हुई कथा को भी फिर से नूतनी करो सी। जन नूतन असी, नूतन बना रहे हो, नवीन बना रहे हो, अर्थात जिस कथा को सुन चुके हो, जो कथा श्रुतचरी है उसको अश्रुतचरी कर रहे हो। यह देखा जाता है संसार में वैष्णवों को भी भक्तों को भी कि वे जो कथा सुन लेते हैं तो फिर उसी कथा को नहीं सुनना चाहते हैं, कोई दूसरी कथा सुनने की उनकी इच्छा होती है। लेकिन जो उच्च कोटि के भागवत पुरुष होते हैं उनको कृष्ण कथा नित्य नवीन लगती है। जन नूतन असी ईश्वर से श्रृण्वन अपि कथा मुहु, तुम सुनी हुई कथा को भी फिर से नवीन बना रहे हो, अर्थात ऐसा लगता है कि तुमने पहले कभी सुना ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कथा में तुमको नित्य नया रस प्राप्त होता रहता है। नूतन असी, एक बहुत ही व्यवहारिक और परफेक्ट एग्जाम्पल दे करके सुखदेव जी इसको कह रहे हैं बाद में। सतामयम सारभृताम निसर्गो जदर्थ वाणी श्रुति चेत सामपी प्रति क्षणम नव्यवद अच्युतस्य जत स्त्रिया विटाना में व साधु वार्ता। हे महाराज परीक्षित, आप जैसे जो भक्त होते हैं वो कृष्ण कथा को नित्य नवीन बनाते हैं, उनकी सुनने की उत्कंठा नित्य नवीन होती है। कैसे? जैसे स्त्री लंपट पुरुषों को युवती स्त्री की वार्ता नित्य नवीन लगती है। एक अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं, भक्तों की तुलना घोर स्त्री लंपट पुरुषों से कर रहे हैं। इस संसार में वास्तव में अगर देखा जाए कि कोई बात सुनने में, किसी के साथ बात करने में या किसी की विषय में सुनने में सबसे अधिक इंटरेस्टेड लोग हैं तो वो है स्त्री लंपट और स्त्री की वार्ता। स्त्रिया विटाना में, वीट का अर्थ होता है स्त्री लंपट स्त्रैण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो लंपट्य के माने में दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसा ये नहीं समझना चाहिए कि स्त्री लंपट या भक्त दोनों एक हो गए, यह बात नहीं है। लंपटता के विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। महाराज परीक्षित प्रारंभ से ही पानी भी नहीं पिए हैं, खाए भी नहीं हैं, और कृष्ण कथा के लिए इतनी व्यग्रता है, इतनी व्यग्रता है, इतनी व्यग्रता, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया कि इतनी व्यग्रता और इतनी लंपटता तो स्त्रैणों में होती है जो स्त्री की वार्ता सुनते हैं या उसके साथ बात करते हैं। हरीश्वरी जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी को क्या हो गया है, भक्तों की उपमा ऐसे हीन लोगों से दे रहे हैं। लेकिन लेकिन ये जरूरत है। वास्तव में स्त्री लंपट व्यक्ति को देखा जाता है, वो रात रात भर बात करता रहता है, सुनता रहता है स्त्री के विषय में या स्त्री से बात करता है, फिर भी दूसरे दिन भी नित्य नवीन बात रहती है। सुना है हजारों बार बात करके, हजारों बार उसके विषय में सुन करके, फिर भी वही रोज देखना, वही सुनना। उसको लगता है कि अभी तो मैं टच भी नहीं किया, अभी तो बात प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी चालू करना चाहिए, अभी चालू करना चाहिए। जितना भी मोबाइल संसार में है उसमें 99% मोबाइल पर स्त्रियों से बात चलती रहती है। ज़्यादातर यही होता है, युवकों की बात कर रहे हैं और दूसरे बिजनेसमैन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। बात करते करते उनको लगता है कि अभी तो चालू ही नहीं हुई बात, बंद तो होने का प्रश्न ही नहीं, चालू ही नहीं हुआ,
नित्य नवीन लगा रहा है। इस तरह से सताम अयम सार भृतो निसर्गो, भगवान के भक्तों का यही स्वभाव होता है। परीक्षित महाराज के लिए नहीं कह रहे हैं, परीक्षित महाराज तो बहुत ऊपर हैं, सामान्य भक्तों के लिए भी कह रहे हैं कि सताम अयम सार भृताम निसर्गो जदर्थ वाणी श्रुति चेत सामपि। जिन सज्जनों की भक्तों की वाणी कान और चित्त केवल कथा के लिए ही है, जदर्थ या कृष्ण के लिए है, ऐसे सारग्राही महात्माओं का अयम निसर्ग, यही निसर्ग है, यही स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है कि सदा श्री कृष्ण के विषय में सुनना, सदा श्री कृष्ण के विषय में बोलना, बस यही उनका स्वभाव होता है। कभी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं। और इस विषय में उनको यही उदाहरण मिला, स्त्रिया बिटाना में वो साधु वार्ता, जैसे बिटाना, जैसे स्त्री लंपट पुरुषों को स्त्री की बात करने में या स्त्री से बात करने में कभी भी खिन्नता नहीं होती है, बल्कि उनका उत्साह बढ़ता जाता है, उन्हें नया नया रस मिलता रहता है। इस तरह श्री कृष्ण की कथा में भक्तों को नया नया रस मिलता रहता है। तो तुम धन्य हो वास्तव में कि इस तरह कृष्ण कथा में रुचि होना, यही जीवन की सफलता है। सूत जी ने कहा है कि धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा से यह नोत्पादे यदि रतिम श्रम है वही केवल। कोई व्यक्ति अपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म या अपने कोई भी ड्यूटी का पालन कर रहा है, इसको स्वधर्म कहते हैं, खूब अच्छी तरह से पालन करता है, धर्म सुअनुष्ठित, सुअनुष्ठित खूब अच्छा पालन किया, टाइम से सब कुछ किया, पूरा पूरा, सन्यासी है तो सन्यास धर्म का, गृहस्थ है तो गृहस्थ का पूरा पालन किया, ब्रह्मचर्य का और भी जो भी ड्यूटी है सब कुछ किया, लेकिन नोत्पादयद यदि रति, यदि वह धर्म विश्वक्सेन की श्री कृष्ण की कथा में रति नहीं पैदा कर सका, तो धर्म पालन श्रम एव ही केवलम, वो केवल लेबर है, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। श्रम केवलम, और ये तीनों अव्यय लगा रहे हैं, एव ही केवलम, श्रम ही है, बेकार मेहनत है वास्तव में। यदि कृष्ण कथा में रुचि नहीं हुई, भगवान के जप कीर्तन आदि में रुचि नहीं हुई, तो और सारा काम लेबर ही है, केवल परिश्रम है। केवल परिश्रम आदमी करे तो हाथ में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में, कमर में, मस्तक में दर्द भर होकर के रह जाए और एक पैसा भी न मिले उसको इतना मेहनत करने के बाद, तब उसको कहा जाएगा कि श्रम है वही केवलम, ये तो केवल परिश्रम हाथ लगा, ऐसा कौन काम करेगा। समस्त कर्मों की सफलता इसमें है कि कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए। धर्म सुअनुष्ठित पुंसम विश्वक्सेन कथा सु यह न उत्पादे यदि रतिम श्रम है वही केवलम। एवं शब्द एक अवग्रह है, अगर कहिए श्रम ही है तो पूरा हो गया, लेकिन एवं ही और केवलम लगा रहे, कोई ये शंका न करे कि नहीं नहीं स्वधर्म पालन का कुछ और भी लाभ है, कुछ भी नहीं है। यदि कृष्ण कथा में रुचि नहीं पैदा कर सका वो धर्म, तो वो केवल परिश्रम मात्र है। सारे धर्म कर्म का यह इंड होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण कथा में रुचि हो जाए। ये सभी शास्त्र बताते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की भूरी भूरी सराहना करते हैं, सताम अयम निसर्ग, सताम का यही स्वभाव होता है, निसर्ग, निसर्ग का अर्थ है स्वभाव, स्वभाव। इस संसार में हम लोग देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ स्वभाव होता है, स्वभाव, लेकिन सज्जन का, भक्त का स्वभाव क्या है, कृष्ण कथा में दृढ़ आसक्ति, गाने में, जपने में, सुनने में दृढ़ आसक्ति होनी चाहिए, इसको कहते हैं निसर्ग, वैष्णवों का निसर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि, जन्म, एक बार जन्म होता है, लेकिन जन्म के समय से ही जो स्वभाव होता है उसको निसर्ग कहते हैं।
स्वाभाविक रुचि जिस बात में हो उसको स्वभाव या श्रद्धा कहा जाता है। तो ये है भक्तों का निसर्ग, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। सार भृता, जो सार ग्राही होते हैं, इस संसार में सार क्या है? सार है भगवान की वार्ता, सार है श्रीमद् भागवतम महामंत्र, ये सार है, और सब कचड़ा है, असार असार। कचड़ा को कितना दूर ले जा करके फेंकते हैं, सफाई रखते हैं, लेकिन जो चित्त को अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं उसको आदमी घर में सजा सजा करके रखता है। रोज अखबार पढ़ता है और ये लिटरेचर वो लिटरेचर थर्ड क्लास का सब पढ़ता रहता है। घर तो साफ करता है, कचरा फेंकता है, लेकिन बाहर का सारा कचरा इकट्ठा करके दिल में भर लेता है, कान के रास्ते से चाहे आँख के रास्ते से। अब तो टीवी द्वारा आँख के रास्ते से भी सारा कचरा भरा जा रहा है इस तरह। लेकिन जो सताम सज्जन होते हैं, भक्त होते हैं, वे सार ग्राही होते हैं। इस जड़ चेतनमय गुण दोषमय विश्व में से वे दोषों को छोड़ देते हैं, गुण को ग्रहण कर लेते हैं। इसको सार भृताम कहा जाता है, सार ग्राही। बहुत मंत्र हैं, बहुत शब्द हैं, लेकिन सारग्राही महात्मा तो महामंत्र को ग्रहण कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही मित्र है, यही जप है, यही तप है, यही सौभाग्य है, महामंत्र ही साथ जाएगा। यहाँ से तार करके जाएगा, वहाँ भी रहेगा, सब जगह है, क्योंकि गोलोक से आया है। गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से यह आया हुआ है। ये महात्माओं का स्वभाव है, और विशेष करके भगवान की कथा सुनने में भी बहुत आसक्त होते। प्रति क्षण नव्यवत, प्रति क्षण 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 में जैसे जैसे समय बीतता है, एक क्षण में दूसरे क्षण में उनको भगवान की बातें, भगवान की वार्ता नित्य नवीन लगती है। वो ऐसे मानते ही नहीं कि मैं इसको सुन चुका हूँ अब नहीं सुनूँगा, या इसको मैं अब जप चुका हूँ अब नहीं जपूँगा। यदि वास्तव में सज्जन है, भक्त हैं, महात्मा हैं, तो उनको प्रतिक्षण नव्यवद अच्युतस्य, जो श्री कृष्ण कभी भी किसी भी दशा में किसी भी रस से च्युत नहीं होते हैं, परम रसमय भगवान की वार्ता भी श्री कृष्ण जैसी ही होती है, तो ऐसी कथा में भक्तों को नित्य नया नया रस आता है। उदाहरण जैसा मैं पहले कहा कि यही सबसे बड़ा उदाहरण मिला, स्त्रिया बिटाना में वसाधु वार्ता, स्त्री लंपट पुरुषों को जैसे ज्योति स्त्रियों की चर्चा में नित्य नया रस आता है, तो इस तरह से भक्तों को श्री कृष्ण की वार्ता में रस आता है। इतना आ जाए तो काफ़ी है ये काफ़ी है। एक बार एक महात्मा ने कहा था कि भगवान कृष्ण से टक्कर लेने वाली हैं तो स्त्रियाँ, देखिए इस संसार में वो तो रसमय हैं, आनंदमय हैं, आनंद घन है, और स्त्रियाँ तो दुख घन निरानंदमय क्षणिक नश्वर सब हैं, लेकिन फिर भी उनके विषय में लोग दुनिया में ज़्यादा बात करते हैं, और भगवान को तो निराकार कह करके कोई उनके विषय में बात ही नहीं करता कोई वार्ता नहीं, बहुत कम लोग श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं। पर जो कुछ भी हो, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वे उसी तरह से आसक्त होते हैं। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मही राम। रामचरित मानस का शेष करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री राम, हे रघुनाथ, कामी को जितना नारी प्यारी लगती है और लोभी व्यक्ति को रुपया पैसा जितना प्यारा लगता है, उतना प्यारा हमको आप लगिए, कृपा करके हमको उतना प्यारा लगिए। लेकिन एक प्रार्थना है कि निरंतर प्यारा लगिए। कामी को नारी कुछ दिन के बाद प्यारी नहीं रहती,
या तो वही खुद बूढ़ा हो जाता है इसलिए जो समाप्त हो जाता है, या किसी तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो निरंतर वो प्रेम नहीं रहता है। इसीलिए अपने से निरंतर जोड़ रहे हैं कि आप में निरंतर हमारा प्रेम रहे, उत्कंठा वैसे ही रहे, इतना प्रिय लगी है। तो भगवान की कथा भक्तों को उतनी प्रिय लगती है जितनी स्त्री की कथा स्त्री लंपटों को प्रिय लगती है। तो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अब कहते हैं, शृणु स्वावहितो राजन अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्यता। हे राजन, वैसे मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही सावधानी के साथ कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अवहित शृणु, पूरा पूरा चित्त को एकाग्र करके कथा सुनिए। परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि सावधान तया शृणु, क्योंकि अन्य कथाओं जैसा यह नहीं है, कुछ विशेष है, अद्भुत अद्भुत बातें हैं जिसको देखकर ब्रह्मा जी तक को विस्मय हो गया था। तो विस्मय हो सकता है या हो सकता है कि बीच में अविश्वास हो जाए, क्योंकि विचित्र कथा है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अवहित समाहित चित्त सन शृणु शृणुस्व। यद्यपि यह परम रहस्यमय कथा है, लेकिन फिर भी मैं तुमको सुनाऊंगा, क्योंकि गुरुजनों का यह स्वभाव होता है कि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्यता। गुरुजन जो होते हैं वे अपने प्रेमी शिष्य को, अनुगामी शिष्य को परम रहस्यमय वस्तु भी बता देते हैं। तो गुरु से या श्रेष्ठ व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करने का यही तरीका है। और क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, उसे स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध का अर्थ है श्रद्धालु होना चाहिए और अनुगामी होना चाहिए, सेवक प्रेमी होना चाहिए। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्यत। स्निग्ध शिष्य को गुरु लोग बहुत उत्कृष्ट वस्तु भी बता देते हैं। तो सुनो, तथाघ बदनान मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान सरित पुलिन मानिन्य भगवान इदम अब्रवीत। अब वो कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अघासुर के मुख से, अघासुर के पेट से बछड़ों को और गोपों को, उनको पालने वाले को रक्षित्वा रक्षा करके भगवान उनको यमुना के पुलिन पर लाए। भगवान रक्षा के और यमुना के पुलिन पर लाए। यमुना के पुलिन पर क्यों लाए, इसके विषय में आचार्य लोग कहते हैं कि वो सांप के मुख में पेट में चले गए थे, इसीलिए भगवान ने सोचा फिर से स्नान कर लिया जाए, सब अशुद्ध हो गए थे। यदि कुछ भी अशुद्धि नहीं आई थी, वो लोग वैसे ही परम पावन थे, लेकिन फिर भी सरित पुलिनम आनीय, सरित के जमुना जी के पुलिन पर ला करके भगवान इस तरह बोले। वे बच्चे नहाए या कुछ किए इसका वर्ण नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है कि स्नान स्नान नहीं हुआ, वो अशुद्ध नहीं थे। अशुद्ध हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि उनके स्पर्श से अघासुर पवित्र हो गया था। और कोई पापी गंगा जी में नहाए तो गंगा जी थोड़े अशुद्ध होंगी, वो पापी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान के पार्षद या भगवान जिसके हृदय में गए हैं, तो उसके कारण भगवान या पार्षद तो अशुद्ध होंगे नहीं, अघासुर शुद्ध हो गया था, इसलिए स्नान की बात नहीं आई। भगवान लाए जमुना के पुलिन पर, वास्तव में यहाँ पर वे लाए प्रसाद खाने के लिए, भोजन करने के लिए, क्योंकि जलाशय के पास ही वो भोजन करते थे। वे लोग ऐसे बोतल नहीं ढोते थे, शुद्ध जल बहता था नदियों में, वहाँ प्रसाद खाते थे। प्रसाद क्या, डायरेक्ट भोजन खाते थे। वहाँ तो भगवान सबको प्रसाद बना ही देते थे। तो सरित पुलिनम आनीय, अघ मृत्यु अघ बदनात
अघासुर के बदन से मुख से या पेट से सबको निकाल करके लाए, सरित पुलिनम आनीय लाए बड़े स्नेह से, और यह कहते हुए लाए कि बाप रे बाप, सांप खा गया था, ऐसे ऐसे भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से तुम लोग बच गए, ये हमें भी बच गया। यह अद्भुत आश्चर्य की लीला कर रहे थे, जबकि नारायण इनके अंश हैं, लेकिन स्वयं भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। हम लोग बच गए बड़े भाग्य से, हमारी माँ वैष्णवी है, उसने बहुत व्रत किया होगा और तुम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे माता पिता बहुत शुभ कर्म किए हैं, हम लोग बच गए, चले चले, भागो भागो। सबको निकाल करके लाए जमुना के किनारे, और श्री भगवान इस प्रकार बोले। यहाँ भगवान शब्द कहा जा रहा है इसलिए कि श्री सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि अब भगवान यहाँ अपनी भगवत्ता प्रकट करेंगे। क्या भगवत्ता प्रकट करेंगे वो आगे कहा जाएगा। तो भगवान इदम अब्रवीत, भगवान ने यह कहा, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेली संपद मृदुलाच्छ बालुकम स्फुटत सरोगंधिरता लिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लस द्रुमाकुलम। भगवान इस तरह से बोले, हे वयस्या, अहो वयस्या, वयस्या का अर्थ है हमारी उम्र के मित्र। कुछ गोप भगवान से थोड़ा थोड़ा बड़े थे, कुछ छोटे भी थे, बाकी ज़्यादा उनके उम्र के थे। तो कहते हैं, हे वयस्या, हे मित्रों, हे मेरे साथियों, यह पुलिन कितना सुंदर है। अहो अति रम्यम पुलिनम, यह पुलिन बहुत सुंदर है, अति रम्य है। कैसे रम्य है? स्वकेली संपत, यह हम लोगों के लिए क्रीड़ा के लिए समृद्ध है। इस पर हम बैठ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खेल सकते हैं, परस्पर युद्ध कर सकते हैं, मतलब दंगल आपस में कर सकते हैं। तो यह बहुत सुंदर पुलिन है। मृदुलाच्छ बालुकम, इस पर बहुत मृदुल और अच्छी बालुका है, बहुत सूक्ष्म बालुका, छोटी छोटी छोटे कण हैं बालुका के, तो सूक्ष्म बालुका है और बहुत कोमल और शीतल। ये कार्तिक का महीना आ गया था, कार्तिक के महीने के बाद, बहुत सुंदर बालुका है और हरी हरी दूब है, घास है। मृदुलाच्छ बालुकम स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका, और जमुना में कमल खिल रहे हैं, विकसित कमल खिले हुए हैं। देखो जमुना में कितना सुंदर कमल खिल रहे हैं, और कमलों की सुगंध को लेकर के हवा आ रही है, तो सब जगह सुगंध भरा हुआ है। उस सुगंध से प्रभावित होकर के, वशीभूत होकर के, भौंरे भनभन भनभन कर रहे हैं, गुनगुन गुनगुन सब जगह कर रहे हैं, और पक्षी गा रहे हैं। पक्षियों के गाने से जमुना के जल पर टकराहट होती है, पक्षियों की ध्वनि की प्रतिध्वनि हो रही है सब जगह। कितना सुंदर वातावरण है, और वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया फैली हुई है, इसलिए घाम का दुख भी नहीं है। तो हम लोग इस जमुना के पुलिन पर भोजन करें। बहुत देर हो गई, पहले तो खेलने में देर हो गई थी, फिर अघासुर के पेट में जाने पर कुछ देर हो गई, तो दिन चढ़ गया, जो सवेरे भोजन करना था लगभग दोपहर हो गया, तुम लोग भूखे हो, अब हम लोग खा लें। तो वहीं पर वृक्ष के पास बच्चे अपना सारा सिक्के आदि टांग दिए थे, जो भोजन की सामग्री लाए थे तो अपने अपने छींके में सब टांग दिए थे, टांग करके तब खेल रहे थे। खेलते समय बांसुरी बेंत या सिक्का वो रखे नहीं थे, सब वृक्ष में टांग दिए थे, जहाँ तक चींटियाँ ना पहुँच सकें, चाहे और कोई ले ना पावे। वहाँ कोई था नहीं, एक भी गोप रक्षा करने वाला नहीं था भोजन की, लेकिन वो बहुत निरापद स्थान था, कोई बानर भी लेकर के नहीं जा सकता था। बानर आदि तो सब कृष्ण के साथ खेलने में रहते थे, उनको भोजन की चिंता नहीं रहती थी। तो वहीं भगवान सबको लाए, तो
भोजन करने का उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए इसका वर्णन भगवान के मुख से हो रहा है। अहोति रम्यम पुलिनम वयस, ये पुलिन बहुत रम अति रम्य है, सबसे अच्छा स्थान है। तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि जिस घर में व्यक्ति भोजन करे जिस स्थान पर, वहाँ पर कोमल भूमि होनी चाहिए, पत्थर कंकड़ ऊंचा नीचा जमीन नहीं होना चाहिए, तो आदमी सुख से बैठेगा नहीं तो खाएगा क्या। तो ये मृदुलाक्ष बालुकम, भोजन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर खूब अच्छी तरह से बैठ करके। और दूसरी विशेषता भगवान बता रहे हैं कि शीतल हवा चल रही है और सुगंधित हवा चल रही है। भोजनालय में अगरबत्ती वगैरह जला लेना चाहिए, शिक्षित शांत रहे, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो उस समय क्रोध न हो, कोई चिंता न हो, दुर्गंध न हो, स्फुटत सरोगंध, सरह का अर्थ यहाँ सरोज, कमल की गंध यहाँ आ रही है। और गीत भी होना चाहिए भोजन के समय, ये नियम है, ऐसा सुंदर गीत होना चाहिए कि व्यक्ति उसमें मस्त होकर के अच्छा से खाना खाए, अच्छा से भोजन करे। तो गीत हो रहे थे, पक्षी गा रहे थे, भ्रमर गा रहे थे, गीत भी हो रहा था। अच्छा, धूप में नहीं बैठना चाहिए भोजन के लिए, कुछ ना कुछ छाया होनी चाहिए, तो वृक्षों की छाया वहाँ विद्यमान है, वृक्षों की छाया विद्यमान है। और अकेले में नहीं खाना चाहिए, तो सब साथी भरे पड़े हैं, सबके साथ भोजन हो रहा है होगा। तो इस तरह से भगवान वर्णन के, बहुत सुंदर प्लेटफार्म था, बहुत सुंदर वातावरण वहाँ पर कहे। अत्र भोक्तव्यम अस्मा भी दिवारूढ़ क्षुधार्दिता वत्सा समीपे पहपित्वा चरंतु सनकस्त्रिणम। अत्र अस्मा भी भोक्तव्यम, अब हम लोग यहाँ पर खाएं, यहाँ पर भोजन करें, क्योंकि क्षुधार्दिता, या तो ये संबोधन है तो अपने सबके विषय में कह रहे हैं, हे भूख से पीड़ित मित्रों, अथवा हम लोग भूख से पीड़ित हैं, दीवारूढ़ दिन चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, लगभग दोपहर हो गया था, दीवारूढ़ दिन चढ़ गया। अब छोटे छोटे 5 बरस के बच्चे जो भोर में ही खाने लगते हैं, वो दोपहर तक न खाए हों, तो दुख की बात है ना। भगवान के हृदय में स्नेह उमड़ रहा है कब तक बिना खाए पिए हैं। अच्छा, यह भी बात रहती कि चलो भोजन नहीं है तो सह लेंगे, भोजन रखा हुआ है, पर पहले तो क्रीड़ा का आवेश हुआ भगवान के साथ खेलने में, तो भगवान के साथ खेलने में अब खाने का कहाँ ध्यान रहेगा। परंतु बाद में अघासुर ही इनको खा गया, उसमें भी कुछ देर हुई। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देर हो गई, दिन चढ़ गया, तो अत्र अस्मा भी भोक्तव्यम, हम लोग यहाँ पर खाएं, हम लोगों के द्वारा यहाँ खाना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने कहा कि तो खाने में फंसेंगे तो फिर बछड़े, बछड़े भी तो नहीं चरे हैं ठीक से, तो वो इधर उधर जंगल में भाग जाएंगे, कि वो भी अघासुर के पेट में गए थे, वो भी नहीं भर पेट चरे, भर पेट क्या, थोड़ा भी नहीं चर पाए। जब बच्चे खेल रहे थे तो वे चर रहे थे, लेकिन वे भी बीच बीच में भगवान की लीला को ही देखते रहते थे, वो भी अच्छा से चर नहीं पाए थे। तब भगवान कहते हैं कि वत्सा समीपे अपह पित्वा चरण तुषण का स्त्रीण, ऐसा काम करें कि पहले बछड़ों को पानी पिलाओ, बछड़े पानी पी लें, इनको पानी दिखा दो जमुना जी में, पानी पी लें, और पी करके यहीं पर निकट में ही, ये जो दुर्बा दल का दुब का मैदान है, इसमें धीरे धीरे चरते रहें, दूर न जाए। वास्तव में भगवान को एक और लीला करनी है कि बछड़ों में लोभ पैदा करके दूर कर देना है, तो उधर से ब्रह्मा जी आसानी से चुरा सकते हैं। और उनको खोजने जाएंगे तो फिर ब्रह्मा जी बच्चों को चुरा लेंगे। तो भगवान ये योजना बना रहे हैं कि बछड़े पानी पी लें, इनको पानी पिला दो और यहीं पर थोड़ा रोक दो, और यहीं चरते रहेंगे और तब तक हम लोग खाएं, बछड़ों की चिंता मत करो। तो बच्चे जैं ही सुने तेवीं का तथा इति तथास्तु, ठीक है। तो पाई त्वार भा वत्सन आरुद्य साद वाले,
तो बच्चे बछड़ों को पानी पिलाए और पानी पिला करके दूब के मैदान में जो पास में ही था रोक दिए। बच्चे इशारा कर रहे थे बछड़ों को कि इधर से दूर नहीं जाना है, हम लोग अभी प्रसाद खाएंगे और यहीं रहना है। पशु भी संकेत समझते हैं। सादोले आरुध्य, आरुध्य का अर्थ है कि कुछ घेराबंदी किए कुछ बच्चे और घेर करके कह दिए यहीं चरना है। इसके बाद वो लोग आए। मुक्तवा सिक्यानी बुबुझु समम भगवता तदा मुदा, तो सब अपने अपने सामान को उतारे, उतार करके और खोलने लगे। जो पैकिंग था घर से उसको खोल रहे थे। दिव्य प्रसाद,